एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन नासे और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है इंडिया वर्सेज इंग्लैंड, जो सेकंड सेमीफाइनल हुआ है वर्ल्ड कप का, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का जो सेकंड सेमीफाइनल आज खेला गया था एडिलेड में, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लैंड वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। और यहाँ पे काफी लोग जो थे ना वो इस बात पे थोड़ा सा कंसर्न शो कर रहे थे कि इंग्लैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला क्यों किया। हालांकि रोहित शर्मा से जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा मैंने तो बैटिंग ही करनी थी, लेकिन उसकी जो वजह मुझे समझ गई ना वो ये है क्योंकि उनके प्राइम बॉलर जो थे मार्क वुड वो इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे थे। और इंडिया आपको पता है जिस तरह चेज करता है, खासतौर पर विराट कोहली, उसकी एडिलेड में जो एवरेज थी उसकी आउटस्टैंडिंग थी, तो इसलिए और डिफेंड करना मुश्किल हो जाता उसके मार्क वुड के बगैर। तो इसलिए फिर उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। और डेविड मिलान जो थे इंग्लैंड की तरफ से वो भी नहीं खेल रहे थे। इंडिया वेंट इन विद द सेम टीम विच प्लेड द लास्ट ग्रुप स्टेज मैच। तो इंडिया डिड नॉट गेट ऑफ टू द गुड डिड नॉट गेट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। केएल राहुल ऑल्दो हिट द फर्स्ट बॉल फॉर अ बाउंड्री, लेकिन अगली बॉल पे उसने फिर उस अगले ओवर में जो था केएल राहुल वो आउट हो गया और इंडिया लॉस द फर्स्ट विकेट ऑन 9 एंड केएल राहुल गॉट आउट आफ्टर स्कोरिंग 5। तो केएल राहुल वहां से 5 रन बना के आउट हो गए और इंडिया वन 9 for 1 आफ्टर 2 ओवर्स। उसके बाद विराट कोहली आए एंड ही जॉइन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे दूसरे एंड से। रोहित शर्मा को बॉल इतने आसानी से हिट करने में आसानी नहीं हो रही थी, जबकि कोहली ने दूसरे एंड से पे थोड़ा सा चार्ज किया और प्रेशर जो था कोहली ने वापस जो इंडिया पे ऊपर ले वापस जो था प्रेशर इंडिया से रिलीज किया और इंग्लैंड के ऊपर कोहली ने प्रेशर किया थोड़ा सा और बाउंड्रीज लगाई। और उसके बाद रोहित शर्मा ने भी फिर बाउंड्रीज लगाई और रोहित शर्मा ने और फिर कोहली ने दोनों ने मिलकर फिर जिस तरह की बैटिंग की, रोहित शर्मा ने सैम करन को एक ओवर में 2 चौके लगाए जबकि कोहली ने एक छक्का एक चौका लगाया था। और कोहली जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग मोड में लग रहे थे और लग रहा था कि ये पार्टनरशिप इंग्लैंड के लिए डेंजरस साबित हो सकती है, लेकिन क्रिस जॉर्डन केम इन एंड देन ही ब्रोक द पार्टनरशिप एंड रोहित शर्मा हु वाज स्ट्रगलिंग टू गेट गोइंग गॉट आउट आफ्टर स्कोरिंग 27 of 28 एंड रादर स्क्रैची इनिंग्स फॉर रोहित शर्मा केम टू एन एंड एंड इंडिया वन इन द स्पॉट ऑफ बॉदर एट दैट स्टेज। उसके बाद सूर्या कुमार यादव आए और सूर्या कुमार यादव ने फिर कोहली के साथ ज्वाइन किया। कोहली जैसे अपना रोटेट करते हैं, अपना टाइम लेते हैं, कोहली वो कर रहे थे सिंगल डबल्स 1 and 2 वो चिप कर रहे थे इजीली, ऑड बॉल पे बाउंड्री भी लगा रहे थे कोहली एंड कोहली वाज लुकिंग रियली गुड एट द क्रीज। सूर्या कुमार यादव ने थोड़ी बहुत पहले इंग्लैंड हेड डाल दिया होमवर्क अगेंस्ट सूर्या कुमार यादव। इंग्लैंड ने अपना होमवर्क किया हुआ था सूर्या कुमार यादव के खिलाफ और उन्हें पता था कि हमें आते साथ ही अटैक करेगा एंड दे वरंट गिविंग द बॉल्स इन टू हिज स्ट्रॉन्गर एरियाज, रादर वो उनके मुश्किल वाले वीक एरियाज में डाल रहे थे जहाँ पे सूर्य कुमार को हिट करने में मुश्किल होगी और उसको अपनी एफर्ट से लगानी पड़ती। खैर उसके बाद एक बाउंड्री सूर्या ने लगाई और एक 6 लगाया टॉप एज पे, जो 6 किया था जॉर्डन को उन्होंने 6 लगाया और वहां से फिर प्रेशर इंग्लैंड पर वापस आया। लेकिन आदिल रशीद जिस तरह आदिल रशीद ने और लिविंगस्टन ने बॉलिंग की जिस तरह आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, दोनों ने प्रेशर इंडिया के बैट्समैन में क्रिएट किया था, बॉल ग्रिप हो रही थी, टर्न हो रही थी और इजी नहीं था स्पिनर्स को खेलना और ऐसे लग नहीं रहा था कि इंडिया जो है वो आसानी से मैच आगे लेके जा सकेगा। और इसी प्रेशर की वजह से सूर्या कुमार यादव जो है वो सूर्या कुमार यादव जो थे वो फिर 14 रन बना के आउट हो गए। ही वेंट टू हिट अ बिग शॉट बट ही मिसक्यूटेड एंड वाज कॉट एंड ही गॉट आउट आफ्टर स्कोरिंग 14 रन। उसके बाद कोहली एंड पांड्या केम इन, पांड्या अटैक इनिशियली और पांड्या ने अर्ध साथ ही फिर अटैक किया और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली पे पांड्या ने। विराट कोहली हु वाज लुकिंग वेरी गुड एट द क्रीज देन स्कोर्ड हिज 50 और 4th 50 स्कोर कर ली थी विराट कोहली ने अपने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में। अपनी आउटस्टैंडिंग फॉर्म कंटिन्यू रखते हुए विराट कोहली स्कोर्ड 50 और विराट कोहली जो थे वो 50 रन बना के, लेकिन साथ ही वो आउट हो गए एंड ही कुडंट ऐड टू द फिनिशिंग टचेस टू द इंडियन इनिंग्स। और वहाँ पे कोहली को आउट आफ्टर स्कोरिंग 50 of 40। मेरे ख्याल से थोड़ा स्लो था लेकिन ऑल्दो ही प्लेड वेल। लेकिन ये मेरे ख्याल में सवाल है कि अगर इस तरह की इनिंग्स बाबर या रिजवान में से कोई खेलता है तो वो हो जाते हैं सेल्फिश। अगर यही इसी तरह की इनिंग्स जो है वो
कोहली खेले तो वो मास्टर क्लास हो जाती है। ये मैं कोहली से मुझे कोई मसला नहीं है, आई नो ही प्लेड वेल एंड प्लेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लेकिन जो मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो बाबर और रिजवान को सेल्फिश कहते हैं, थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करें। तो खैर एनीवेज 50 रन बना के विराट आउट हो गए एंड इंग्लैंड गॉट अ ह्यूज विकेट विद जॉर्डन पिकिंग अप हिज विकेट। उसके बाद ऋषभ पंत केएमएन और हार्दिक पांड्या दूसरे एंड से फिर उन्होंने चार्ज टेक ओवर किया और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया इंग्लैंड के बॉलर्स को और प्रेशर इंग्लैंड के बॉलर्स पे वापस उन्होंने कर दिया और एक ओवर में उन्होंने 20 रन बनाए। सैम करन के 19th ओवर जो था इनिंग्स का उसमें उन्होंने 20 रन बनाए और उससे पहले उन्होंने कोहली के साथ उन्होंने स्ट्राइक रोटेट भी की थी और जब वो वेल सेट हो गए तो उन्होंने 20 रन बनाए एक ओवर में सैम करन के और उन्होंने ही कम्प्लीटेड हिज 50 और हार्दिक पांड्या जो था ही कम्प्लीटेड हिज 50 इन ऑल इम्पोर्टेंट सेमीफाइनल मैच एज वेल। और हार्दिक ने भी फिर अपनी सेमीफाइनल में 50 कम्प्लीट की और फिनिशिंग टच जो थे फिर हार्दिक ने ऐड किए जबकि दूसरे एंड से ऋषभ पंत जो थे वो रन आउट हो गए 6 रन बना के वाइल ट्राइंग टू गिव हार्दिक द स्ट्राइक एंड ही वाज मेड द स्केपगोट और ऋषभ आउट हो गए थे 6 रन बना के। लेकिन हार्दिक ने फिर जिस तरह फिनिश किया इनिंग्स, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की हार्दिक ने, जिस तरह उसने छक्के मारे, उसने जॉर्डन को और सैम करन को आखिरी दो ओवरों में खास तौर पर दे वर मार्वेलस हिटिंग फ्रॉम हार्दिक पांड्या और दोनों ने फिर आउटस्टैंड और पांड्या ने आउटस्टैंडिंग फिनिश किया और लास्ट बॉल पर भी उसने बाउंड्री लगा ली थी लेकिन वो हिट विकेट हो गए वहाँ पे और जो था इंडिया लॉस। इंडिया कुड मैनेज 168/6 इन द रिस्पेक्टिव 20 ओवर्स। पांड्या टॉप स्कोर विद 63/33 मैग्निफिसेंट नॉक खेली पांड्या ने वहाँ पे और इंग्लैंड वर सेट अप अ टारगेट ऑफ 169 रन्स टू विन टू सेट अप अ फाइनल डेट विद पाकिस्तान एट द MCG। वट अ स्टार्ट डिड द इंग्लिश इंग्लैंड गॉट ऑफ टू, जिस तरह भी स्टार्ट किया हेल्स और बटलर ने आउटस्टैंडिंग। पहली बॉल से आते साथ ही उन्होंने अटैक किया इंग्लैंड के इंडिया के बॉलर्स को और उन्होंने मेक श्योर किया कि पावर प्ले को सही तरह यूटिलाइज करो और किसी एक बॉलर को भी सेटल नहीं होने दिया और मतलब ये नहीं था कि वो चांस दे रहे थे, नॉट इवन अ सिंगल चांस, एक चांस भी नहीं दिया हेल्स और बटलर ने इंडिया के बॉलर्स को और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे थे। मार्वेलस बैटिंग थी, दोनों प्रॉपर शॉट्स खेल रहे थे और इंडिया को उन्होंने प्रेशर आधा मैच इंडिया से वहीं से छीन लिया था पावर प्ले में जब 65 रन कर लिए थे और उसके बाद वहां पर वो रुके नहीं, उन्होंने वहां फिर भी अटैक किया उन्होंने और उन्होंने दे डिडंट टेक द फुट ऑफ द एक्सेलरेटर और इंडिया जो था इंडिया के बॉलर्स को समझ नहीं आ रही थी कि इनको किस तरह रोका जाए और क्योंकि ना चांस आ रही थी पैड पे भी मुझे नहीं लगता कोई बॉल लगी है उनके और ना कोई इवन हाफ चांस भी नहीं था और इंडिया के बॉलर्स वर एब्सोल्युटली क्लूलेस अगेंस्ट देम, खास तौर पे जब बटलर इनिशियली स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन फिर हेल्स ने जिस तरह शुरू में किया और फिर बाद में जब हेल्स थोड़े स्लो है तो बटलर ने टेक ओवर किया एंड दे बोथ रीच देयर रिस्पेक्टिव 50s और हेल्स जो थे ही वॉज ऑन बैटिंग इन द 80s और बटलर जो थे 60s पे थे लेकिन बटलर ने फिर आके जिस तरह कैचअप किया है हेल्स के साथ और आखिरी के 20-25 रन तो वो लगता है बटलर ने बनाया सारे और बटलर जो था उसने फिर अपनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग के साथ में मुझे 12 साल हो गए क्रिकेट देखते हुए लेकिन मैंने आज से पहले इतनी ह्यूमिलिएटिंग सेमीफाइनल लॉस नहीं देखी किसी के लिए। बटलर और हेल्स ने फिर अपने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हुए मेक शो किया कि इंग्लैंड वन द मैच बाय 10 विकेट्स विद 24 बॉल्स टू गो। सोचिए कितनी ह्यूमिलिएटिंग है ये, सेमीफाइनल में आप 10 विकेटों से हारे हो और 4 ओवर पहले हारे हो, बातें आप इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो जैसे पता नहीं आप वर्ल्ड कप जीत चुके हो। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी जरा किस तरह की बातें कर रहे थे सारे वरिंदर सहवाग वगैरह जो सारे इरफान पठान ग्रेस को लेके बैठे थे। इरफान पठान साहब अब आप लोग ग्रेसफुली मुंबई एयरपोर्ट पे जाइएगा और एयरपोर्ट से थोड़ी सी ग्रेस और मजीद लीजिएगा और अगर ये आपकी ग्रेस थी ना जिसकी आप कल बात कर रहे थे कि ग्रेस मिसिंग है पाकिस्तान की तो माफ कीजिए हमें इस तरह की ग्रेस से दूर रखें, ये आपके बॉलर्स पे सूट करती है। विकेट्स का खाता खाली, यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी ग्रेस रख लेंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया, यहाँ पे थोड़ी ग्रेस रख लेंगे और यहाँ पे अब ग्रेस ही भरना है इंडिया वाले क्योंकि विकेट्स आप ले नहीं सके।
इंग्लैंड वन द मैच बट 10 विकेट्स में 24 बॉल्स टू गो और हर एक बॉलर को टारगेट किया। भूवी को 2 ओवर में 25 स्कोर पड़े, अर्शदीप जो मेरे ख्याल में अच्छी बॉलिंग की 2 ओवर में 15 पड़े अर्शदीप को। अक्षर वॉज मच बेटर देन द रेस्ट और 4 ओवर में 30 अक्षर को। अश्विन 2 ओवर 27, हार्दिक 3 ओवर 34, शामी 3 ओवर 29। हेल्स और बटलर, हेल्स और बटलर ने भी जिस तरह की बैटिंग की आउटस्टैंडिंग। Hales remained not out on 86 and Butler remained not out on 80 and Alex Hales was named as a man of the match for a brilliant innings of 86. And now England have qualified for the final of the ICC Men's T20 World Cup to set up a final clash with Pakistan on 13th of November at the MCG. And now Pakistan and England ke darmiyan hoga final for the World Cup 1992 ka repeat hua. And mere jo aapko kal prediction mein kaha tha ke England would run over India. और यही हुआ और अब 1992 वाला वर्ल्ड कप का फाइनल। आपस की बात है, इंडिया को हारते हुए मजा तो आया देख के, क्योंकि जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि हमारी टीम ये हमारी टीम वो, जिस तरह की बातें कर रहे थे ना, इनको इनका सर तो गरूर से नीचे हुआ अब। और फिर जिस तरह, लेकिन साथ साथ मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि हमारा मैच फाइनल भी तो इसी टीम इंग्लैंड की टीम के साथ होगा। तो खैर उधर, लेकिन इंशाल्लाह हमारे लड़के ने रोक लेंगे और इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे। और इरफान पठान, हरभजन सिंह, आकाश चोपड़ा, विक्रांत गुप्ता, सुशांत मेहता, ये सारे जो लोग जो थे ना बड़े बड़े बोल बोलने वाले, इनको अब देखना अब क्या हुआ आपका। पाकिस्तान को बाय बाय कर रहे थे ये कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की सेमीफाइनल से पहले टिकटे लो घर जो सेफ फ्लाइट। और अब देखो कौन लड़े विंडो सीट के लिए, रोहित और कोहली लड़े विंडो सीट के लिए। ये वरिंदर सहवाग साहब जो थे ये कहते थे ना फिल इन द ब्लैंक्स, ना डैश जितना हार डैश की हार में। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करें कहते तो हम भर देते हैं ब्लैंक्स आपके लिए, अगर आपने नहीं भरे अभी तक भरे तो। इसलिए कहते हैं कि पंगे ना लिया करें, क्रिकेट इज एन अनप्रिडिक्टेबल गेम और कुछ भी हो सकता है इसमें। देखिए जो दो टीमें जो थी जो अपसेट हुई थी, आयरलैंड डिफीटेड इंग्लैंड एंड जिम्बाब्वे डिफीटेड पाकिस्तान, और आज वही दो टीमें फाइनल खेल रही है वर्ल्ड कप का। दिस इज क्रिकेट, लास्ट मोमेंट तक आपको कुछ नहीं पता होता, तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट ना होया करें। सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया इरफान पठान का, ये उन्होंने ट्वीट कर दिया आज मैच हारने के बाद। लेकिन सॉरी टू से इंडियन फैन, मैंने इससे ह्यूमिलिएटिंग लॉस नहीं देखी सेमीफाइनल में, 12 साल से क्रिकेट देख रहा हूँ, इससे ज्यादा वन साइडेड और ह्यूमिलिएटिंग लॉस मैंने नहीं देखी, सॉरी टू से। तो खैर एनीवेज, चले हार्ड लक इंडिया, वेल प्लेड, वेल प्लेड मतलब बस, हाँ वेल प्लेड ही था बस कह सकते हैं, वेल प्लेड, वेल ट्राइड, हार्ड लक। लेकिन इंग्लैंड आज आपको रोल डाला, जिस तरह कहते नहीं है इंग्लैंड आउट क्लास। लेकिन भाई अब हम पे थोड़ा हौलाद रखना, बटलर हेल्स एंड बटलर हौलाद रखिएगा। इंग्लैंड पाकिस्तान MCG फाइनल 13th November। सो अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल खेला जाएगा और फाइनल अब MCG में खेला जाएगा 13th November। इट डज नॉट गेट एनी बिगर देन दिस 1992, लेट्स रीडू इट ऑल, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, सेम वेन्यू, 30 इयर्स लेटर, सेम टीम्स, ऑल्दो द फॉर्मेट इज डिफरेंट, लेकिन फिर भी होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन द फाइनल और इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप उठाएंगे और वी विल विन द वर्ल्ड कप फॉर द सेकेंड टाइम। और होपफुली अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो बस यही था कि इंग्लैंड वन वर 10 विकेट्स, एलेक्स हेल्स वन नेम एज अ मैन ऑफ द मैच और इंग्लैंड नाउ सेट अ फाइनल डेट एंड फाइनल क्लैश विद पाकिस्तान एट द MCG ऑन 13th November संडे 1 PM लोकल PH पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, 1:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखते हैं अब क्या होता है, होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तानी वर्ल्ड कप जीत रहे हैं।
सो होपिंग फॉर द बेस्ट। फाइनल से पहले मैं एक और वीडियो लगाऊंगा तो उसमें बात कर लेंगे बाकी की। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक और वीडियो डेफिनेटली लगाऊंगा फाइनल से पहले। तो खैर, पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड संडे 13 नवंबर, MCG, कैन नॉट वेट फॉर इट। So that's it for this vlog. Hope you liked it. If you liked it, please share, subscribe, comment, and don't forget to press the bell icon. And see you in the next video. Allah Hafiz.